हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीएनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे द न्यू ओसीआई नोटिफिकेशन जो भी रिसेंटली 2021 में आई है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि इट इज़ अ कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट ऑफ द प्रीवियस नोटिफिकेशन, जिसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन भी हैं। तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के जो हाईलाइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से अफेक्ट हो रहा है ओसीआईज पे। खास तौर पे हम फोकस करेंगे बाय द लास्ट पॉइंट कि उनके बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में कुछ चेंजेस आए हैं या वो कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे वो पहले कर रहे थे। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाईलाइट्स पे ही आते हैं। हाईलाइट्स में मैंने 7 बेसिक पॉइंटर्स बनाए हैं जिसमें हमने सारी चीज़ों को कवर किया है जो उस नोटिफिकेशन में मैंशनड है। आपको डिटेल्ड अगर उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो उस केस के लिए जो लिंक है नोटिफिकेशन का, डायरेक्टली मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो डेट आप वो एक्सेस करके इन पॉइंट्स को अपना एक बेस बना के उसे वर्ड टू वर्ड फिर से पढ़ सकते हैं समझने के लिए बेहतर से। अब पहले पॉइंट पे आते हैं। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो OCIs हैं उन्हें स्पेशल परमिशन लेना होगा इंडियन गवर्नमेंट से अगर उनको किसी मिशनरी, तबलीगी, माउंटेनियरिंग, रिसर्च वर्क या जर्नलिस्टिक एक्टिविटी में पार्ट लेना है इंडिया में। सेकेंड पॉइंट पे अगेन स्पेशल परमिशन के अराउंड ये पॉइंट है, अगर एक OCI को कोई पर्टिकुलर इंटर्नशिप अंडरटेक करनी है अंडर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस या फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, तो उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी होगी। और इसके साथ ही साथ अगर उन्हें किसी प्रोटेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड एरिया को विजिट करना है इंडिया में अंडर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अंडर जो नोटिफाइड हैं ऐसे जगह जितने भी हैं उनको विजिट करने के लिए भी स्पेशल परमिशन चाहिए होगा OCIs को। नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो जो पहले सीट्स रिजर्व्ड होती थी OCIs की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थ्रू द जनरल कैटेगरी, बट अब वो जनरल कैटेगरी के अंदर नहीं रहेगी। आपको जो एडमिशन्स हैं अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो थ्रू NRI कोटा मिलेगा, यानी जो सीट्स NRIs को अलॉटेड हैं उसके अंडर ही आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो अगर आप इंडिया में किसी भी लेंथ ऑफ स्टे के लिए आ रहे हैं तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलता है फ्रॉम रजिस्टरिंग योरसेल्फ टू द फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, जो रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं। अब नेक्स्ट टू पॉइंट्स में हम पैरिटी डिस्कस करेंगे, पैरिटी ऑफ OCIs विथ इंडियन नेशनल्स और देयर पैरिटी विथ NRIs। तो इंडियन नेशनल्स के साथ अगर कंपेयर करें तो इन मैटर्स ऑफ एयर टैरिफ्स, जो एयर फेयर्स होते हैं डोमेस्टिक सेक्टर में, उसके अलावा जो एंट्री फीस वगैरह चार्ज की जाती है फॉर विजिटिंग वेरियस नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल साइट्स और म्यूजियम्स वगैरह, तो इन सब जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इसमें OCIs को पैरिटी मिलती है विथ इंडियन नेशनल्स। नेक्स्ट में अब NRIs की बात करते हैं, तो NRIs के साथ इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रेन, अगर उन्हें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अपियर करना है जैसे कि JEE या NEET, या फिर लैंड परचेज करना अगर इंडिया में अदर देन एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, और परस्यूइंग ऑफ सर्टेन प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, डेंटिस्ट, एडवोकेट्स एक्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों में उन्हें पैरिटी दी जाएगी विथ NRIs। और सेवेंथ पॉइंट पे हम आते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो टॉप 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसमें बेसिकली हमने जो पुराने नोटिफिकेशंस पे क्लेरिफिकेशंस आए थे और जो भी चीज़ें एक साथ कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट में ही उसको किया, बट ये जो सेवेंथ पॉइंट है ये एक पार्ट है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर नए नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई है, उसके साथ ही साथ जो राइट्स और प्रिविलेजेस RBI के अंडर जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उन चीज़ों में जो भी चीज़ें कवर्ड नहीं हैं उन सब एस्पेक्ट्स में क्या होगा कि एक OCI को फॉरेन नेशनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो RBI का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाला पॉइंट है उसके अंदर आपका बैंकिंग आ जाता है, उसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं इंडिया में, तो ये पॉइंट बेसिकली ये सिंप्लीफाई कर रहा है कि एज एन OCI अगर आप इंडिया में अभी बैंक अकाउंट्स खोलना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स कैरी आउट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इवन आफ्टर द नोटिफिकेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी FEMA के अंडर RBI के नोटिफिकेशंस में कवर्ड हैं। अब एज एन OCI इंडिया में बैंकिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें अलग अलग सर्विस रिक्वायरमेंट्स की तरफ ट्रिगर करती हैं, और यहाँ पे SBNRI आपके काम आता है। वी प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज अंडर वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके लिए चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एट SBNRI आपका बैंकिंग, आपका इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया और अब्रॉड,
आपका टैक्सेशन इंडिया स्पेसिफिक या ग्लोबल टैक्सेशन अलॉन्ग विद अदर एस्पेक्ट जैसे रियल स्टेट या कोई भी और क्वेरी रिलेटेड टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ होम हेल्थ केयर एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के अराउंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है SBNRI, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स आपके क्वेरीज को समझते हैं और जो भी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ दीज कैटेगरीज, उसमें आपको एंड टू एंड असिस्ट करने के साथ साथ एग्जीक्यूशन में भी सपोर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो आपके अकाउंट ओपनिंग से लेके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, फिर उसके टैक्सेशन के साथ साथ ये पूरा एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है, जहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है हु विल बी इन योर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे 24/7, जो आपकी चीज़ों को कोरिलेट करेगा, आगे जाके कोऑर्डिनेट करेगा विद द एक्सपर्ट्स, एंड व्हेनेवर नेसेसरी कॉल्स अरेंज करा दी जाएंगी। तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, और इसके अगर आपको ये पैकेज अवेल करना है तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे है 9873-633-63। आप हमें रीच आउट करें और आपकी अगर कोई क्वेरी है, डाउट है या कोई पर्टिकुलर सर्विस रिक्वायरमेंट है तो उस बारे में हमें बताएं, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर इट विद अ फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे जो QR कोड दिख रहा है आप उसे स्कैन करके डायरेक्टली हमारी NRI कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां वेरियस NRIs और बहुत सारे OCIs भी हैं जो अपने प्रॉब्लम्स और अपनी क्वेरीज को हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करते हैं, या कोई भी सर्विस रिक्वायरमेंट हो तो वो शेयर करते हैं, एंड वी मेक श्योर कि हम एंड टू एंड उसे एग्जीक्यूट करें, उन्हें असिस्ट करें थ्रू आउट द प्रोसेसेस। सो यू कैन स्कैन द कोड एंड ज्वाइन द कम्युनिटी, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट द वीडियो। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।